वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ शिल्पा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। पुराने ज़माने में हमारी जो दादी नानियाँ हुआ करती थी, वो कभी भी साबुन यूज़ नहीं करती थी। इवन जब हम लोग यूज़ करते थे, तब वो हमको भी कहते थे कि साबुन में केमिकल्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं स्किन को आप हार्म करेंगे, आपके स्किन पर इफ़ेक्ट डालेंगे। और जो मेजर इफ़ेक्ट होता था इन सब चीज़ों का, वो सेंसिटिव स्किन वालों को होता था। इवन आज के टाइम में भी सेंसिटिव स्किन वाले जब भी कोई प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको बहुत बार सोचना होता है, क्योंकि स्किन जो है बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। तो मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए दादी नानी का नुस्खा, जिसको आप अपने सिर्फ फेस पर नहीं, अपने फुल बॉडी पर अप्लाई करके आप नहा सकते हैं। वो आपकी स्किन टोन को लाइटर भी करेगा, आपकी स्किन को हेल्दी भी बनाएगा और आपके डेड सेल्स को भी निकालेगा। इस उपटन को आप इजीली बना सकते हैं। बना के अपने एक कंटेनर में लेके अपने एक वॉशरूम में रख दीजिए, और जब भी आप नहाने जाएंगे तो आप सोप की जगह इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इवन मैं अगर आपको बताऊँ तो मेरा बेबी ऑलमोस्ट 2 ईयर्स का है, बट जब वो छोटा था, इवन 4 या 5 मंथ्स का था, तब से मैं उसको ये उपटन यूज़ कर रही हूँ, और ये उपटन उसके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक जार लिया है, इसके अंदर अब मैं सारी चीज़ें आपको ऐड करके बताऊँगी। यहाँ पर मैंने 2 छोटे चम्मच समथिंग राइस ले लिया है। राइस आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अगर कटा हुआ हो या पूरा हो, जैसा भी। सेकंड, मैंने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच समथिंग ही उड़द का दाल डालना है। उड़द की दाल आपकी स्किन को स्मूथ बनाएगी। और यहाँ पर मैंने 2 छोटे चम्मच ही मूंग का दाल, बिना छिलके वाला, मैंने यहाँ पर, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन सबको बहुत अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। और इस पाउडर को अब मैं एक बाउल के अंदर निकालूंगी। इसी के अंदर मैंने ऐड करना है 1 चम्मच समथिंग बेसन, और बेसन के साथ ही मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1 से 1.5 चम्मच उपटन का पाउडर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने कितना ईजीली इस उपटन को बना लिया है। बहुत ही ईजी है बनाना, सारी चीज़ें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही अच्छे से हमारे स्किन के ऊपर काम करते हैं। राइस एक स्किन वाइटनिंग का काम करता है। उड़द दाल जो हमने यहाँ पे ली है, उड़द दाल को आप एक बार गूगल पे डाल के देखिए, उड़द की दाल हमारे स्किन के लिए कितना ज़्यादा अच्छे से काम करती है। हमारे स्किन को एक स्मूथनेस देती है, स्किन के कलर को डैमेज होने से बचाती है। और साथ ही हमने इसके अंदर उपटन यूज़ किया है। उपटन जो है, उसके अंदर ऑलरेडी सारी चीज़ें मिक्स है जो आपकी स्किन को रिक्वायर्ड है। वो सारी चीज़ें जब इन सब चीज़ों के साथ मिक्स होके जाएगी, तो आप खुद सोचिए कि कितना अच्छा ये उपटन आपके स्किन पे काम करेगा। सो आई होप कि आपको ये रेमेडी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ और ज़्यादा अच्छे से मैं आपको नेचुरल चीज़ों को यूज़ करना बता सकूँ। वैसे आप सब लोग इंटेलिजेंट हैं, ब्यूटीफुल हैं, बट स्टिल मैं अपने आइडियाज़ अपनी दादी नानी और अपनी मम्मी के नुस्खे में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, सो मैं वीडियो बनाती हूँ। So thanks for watching. Hare Krishna.